अमाउंट ऑफ हीट और वर्क ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अन अदर स्टेट इज द मेन कॉन्सर्न ऑफ थर्मोडाइनमिक जो किसी भी अमाउंट का अगर कोई हीट है या फिर कार्य हो रहा है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जब जाता है ट्रांसफर होता है तो उसे हम ये कहते हैं कि यही मेन कॉन्सर्न था किस चीज का थर्मोडाइनमिक का अब जान लेते हैं थर्मोडाइनेमिक में सिस्टम क्या होता है सिस्टम क्या होता है इट इज फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस कंट्रोल वैल्यूम वेयर आवर स्टडी इज फोकस एक ऐसा फिक्स्ड मास और रीजनल स्पेस एरिया हो जहाँ पर हमारी स्टडी बहुत ही ज़्यादा फोकस करे वैल्यूम को कंट्रोल करके मतलब उसमें वैल्यूम भी होगा तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा सिस्टम है सराउंडिंग को एक लाइन में समझ लेते हैं एक पॉइंट में सराउंडिंग क्या किसे कहा जाता है एवरी थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग कोई भी चीज़ अगर सिस्टम के बाहर है तो वो क्या कहलाएगा सराउंडिंग कहलाएगा तो अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम किसे कहा गया है इन आ थर्मोडाइनमिक अगर हम थर्मोडाइनमिक की बात करें आ क्लोज सिस्टम एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मास विथ इट सराउंडिंग कहने का मतलब ये है कि अगर हम थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में बात करें तो जो क्लोज सिस्टम होता है वो खाली ऊर्जा का संचारण करता है यहाँ पे द्रव्यमान में कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा तो उस सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम के नाम से जानते हैं अब देन आता है हमारा ओपन सिस्टम वाट इज ओपन सिस्टम इन अ थर्मोडाइनमिक ओपन सिस्टम एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग जो ओपन सिस्टम होता है वो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन करता है अपने सराउंडिंग के साथ में तो सराउंडिंग क्या थी अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था सराउंडिंग क्या है एवरी एक्सटर्नल फ्रॉम द सिस्टम इस कल्ड सराउंडिंग अब आता है आइसोलेटेड सिस्टम इन अ थर्मोडाइनिक आइसोलेटेड सिस्टम नॉट ट्रांसफर मास एंड एनर्जी नाइदर आउटर साइड और नॉर इनर साइड स अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इसमें मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है ना तो आउटर साइड ना तो इनर साइड तो कहना का मतलब यही था जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें मास और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है विथ इट्स सराउंडिंग अब आता है हमारा नेक्स्ट टू पॉइंट्स जिसे हम होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं तो जो ये होमोजीनियस सिस्टम की डिफिनेशन लिखी हुई है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं उसे आप अपने नोट्स में कॉपी मतलब नोट्स में नोट कर लीजिएगा ये जो होमोजीनियस सिस्टम की डिफिनेशन लिखी है ये भी सही है बट आपके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज्यादा बेटर पड़ेगी इन सिस्टम वन द मैटर ऑफ द सिस्टम प्रेजेंट इन ओनली वन स्टेट इज नॉन हैज होमोजीनियस थर्मोडाइनमिक सिस्टम जस्ट लाइक अ जैसे कि मैं आपको बता दू वाटर एंड लिक्विड ऑल दिक्विड वाटर एंड ऑल दिक्विड ये क्या हो गए आपके होमोजीनियस सिस्टम के उदाहरण तो कहने का मतलब ये है किसी भी सिस्टम में जब जो मैटर होता है प्रेजेंट हो खाली एक स्टेट में जैसे कि अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड में हो जैसे कि गैस है तो सारे गैस में हो जैसे कि वेपर है तो वेपर में हो सॉलिड है तो सॉलिड में हो ऐसा ना हो कि कोई लिक्विड है और कोई सॉलिड हो कोई सॉलिड है तो कोई गैस है तो ये सारे स्टेट्स चेंज हो जाते हैं तो बस इतना ही याद रखना है इन अ सिस्टम द मैटर ऑफ सिस्टम प्रेजेंट इन ओनली वन स्टेट इज नोन हेज होमोजीनियस थर्मोडाइनमिक सिस्टम अब हैट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं इन अ सिस्टम वे द मैटर ऑफ द सिस्टम प्रेजेंट इन मोर देन वन स्टेट इज नॉन हैज हेट्रोजीनियस थर्मोडाइनमिक सिस्टम तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आइस एंड वाटर तो यहाँ देखिए चेंज हो गया है आइस क्या हो गया आपका सॉलिड स्टेट हो गया एंड वाटर क्या हो गया आपका लिक्विड स्टेट हो गया अब देखते हैं लिक्विड एंड गैस तो लिक्विड आपका लिक्विड स्टेट है और जो गैसियस है वो गैसियस स्टेट है यहाँ पे दोनों स्टेट में जो मैटर था हमारा चेंज हो चुका है मतलब जो मैटर है वो दो स्टेट में पाया जा रहा है तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा हेट्रोजीनियस थर्मोडाइनोमिक सिस्टम तो आपको कई बार पूछा जाता है व्हाट इज अ मेजर डिफरेंसिंग बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम तो आप अगर ये दोनों पॉइंट को लिख के आते हैं विथ एग्जाम्पल तो एकदम करेक्ट माना जाएगा अब बात कर लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम इज नॉन हैज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल टेम्परेचर डेंसिटी प्रेशर स्पेसिफिक वेल्यूम एट्सट्रा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास मतलब द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड ना करे उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे डेंसिटी हो गए प्रेशर हो गए स्पेसिफिक वैल्यूम हो गए ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल होता है अब आता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सिस्टम इज नॉन हैज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो ऐसी किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास के समानुपाती हो जो कि क्या हो मास ऑफ सिस्टम के किसी भी द्रव्य कोई भी सिस्टम है जो उसका द्रव्यमान होगा उससे वो समानुपाती हो तो वो क्या कहलाता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आई थिंक दोस्तों आप सभी को ये दोनों पॉइंट भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आप चाहे तो इसका, इसका स्क्रीन ले सकते हैं स्क्रीन शॉट आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों मैं आप सभी को नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा ऐसे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेक्चर के अंदर उसके बाद आप आराम से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टेट फंक्शन एंड उसके बाद आएगा पाथ फंक्शन तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक नहीं सॉरी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हूज वैल्यू डस नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन टू रीच द स्पेसिफिक वैल्यू वैल्यू तो स्टेट फंक्शन क्या होता है ये किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड ना करे, किसके ऊपर डिपेंड ना करे पार्ट टेकन मतलब कौन सा रास्ता वो अपना रहा है वो सीधे क्या करे अपनी स्पेसिफिक वैल्यू को ऑप्टेन कर ले अपनी स्पेसिफिक वैल्यू को पा जाए तो उस जगह पे हम क्या कहते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इट डिपेंड ओनली स्टेट ऑफ द फंक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फंक्शन तो ये भी आपका स्टेट फंक्शन का हो जाता है स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल होते हैं मास प्रेशर डेंसिटी एनर्जी एक्सेट्रा तो आई थिंक आप सभी को स्टेट फंक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं मैं वीडियो को पॉज कर दिया हूं चलिए दोस्तों आई थिंक आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब आते हैं पाथ फंक्शन के ऊपर अ फंक्शन डाइट डिपेंड अपॉन द पाथ ज पाथ फंक्शन तो एग्जाम्पल में हो गया हीट एंड वर्क ये सब क्या होते हैं पाथ पे डिपेंड करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा पाथ फंक्शन हो गया अब आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है इंटरनल एनर्जी इज डिफाइन हैज द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को हम ऐसे बता सकते हैं कि एक ऐसी इंटरनल एनर्जी जो कि स्टोर हो अपने बॉडी के अंदर किसके द्वारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के द्वारा तो उसे हम क्या कहते हैं इंटरनल एनर्जी कहते हैं तो इंटरनल एनर्जी इनविजिबल होती है बट इसे रियलाइज़ किया जा सकता है जैसे कि इंटरनल एनर्जी इज़ इनविजिबल बट इट कैन बी रियलाइज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू इसे यू के द्वारा दर्शाया जाता है एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम और ये सिस्टम की एक प्रॉपर्टी भी होती है अगर इसे मैथमेटिकली बताया जाए देखिए पहले क्या कह रहा है मैथमेटिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय तो मैथमेटिकली बताया जाए अगर चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी में तो उसे बताया जाएगा डी यू इज इक्वल टू एम सी डी टी यर डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एम सी मीन्स एम इज द मास ऑफ अ गैस सी इज अ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम एंड डी टी इज द चेंज इन टेम्परेचर थर्स वी कैन से हम ये कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइन बाई टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट। आई थिंक दोस्तों आप सभी को कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी साउंड में आया होगा आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आई थिंक दोस्तों आप सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा अब आते हैं इंथेरेपी एंड इंट्रॉपी के बारे में पढ़ने के लिए क्योंकि ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सबसे पहले जान लेते हैं इंथेरेपी क्या होता है इन्थेरेपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडाइनमिक इन्थेरेपी क्या है ये प्रॉपर्टी है थर्मोडाइनमिक की विच इज डिफाइन हज द जिसे कि बताया जाता है विच इज डिफाइन हज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वैल्यूम ऑफ द सिस्टम तो इन्थेरेपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडानेमिक इनथेलेपी क्या होती है सबसे पहले आप जान लीजिए कि थर्मोडाइनमिक की एक प्रॉपर्टी होती है एंथेलपी जिसे हम ये बता सकते हैं या फिर इस तरीके से बताया जा सकता है कि ये सम होता है इंटरनल एनर्जी का जिसे अभी आपने एक मिनट पहले पढ़ा है इंटरनल एनर्जी क्या होता है इंटरनल एनर्जी इज डिफाइन हैज़ द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर तो ये सम हो सकता है इंटरनल एनर्जी का एंड प्रोडक्ट हो सकता है प्रेशर एंड वैल्यूम ऑफ द सिस्टम का तो इंथलपी को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इसे हम एच से डिनोटेड करते हैं और जो इसका फॉर्मूला होता है वो एच इक्वल टू क्या होता है यू प्लस पी वी तो अब आते हैं इंट्रोपी के पास इंथ्रोपी नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोपी इज अ मेजर इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम तो ये जो इंट्रॉपी होता है ये मेजर करता है ये मापन करता है रैंडमनेस को और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम का और आप एक चीज जान लीजिए अगर जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा जितना ज्यादा ग्रेटर द डिसऑर्डर हायर द इंट्रॉपी। अब आते हैं आइडियल गैस के पास तो आइडियल गैस लॉ तो आइडियल गैस लॉ तो पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आइडियल गैस लॉ आपके हर बार पेपर में पूछे जाते हैं आइडियल गैस लॉ से पाँच नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो आइडियल गैस लॉ क्या होता है ये जान लेते हैं एन आइडियल गैस इज अ गैस कोई भी आइडियल गैस एक ऐसा गैस हो डैट डज नॉट चेंज इट स्टेट अंडर एनी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस जो कि अपनी स्टेट को अपनी स्टेट को वो चेंज ना करे किसी भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में तो वो गैस आइडियल गैस कहलाता है प्रैक्टिकली दिस आर नॉट पॉसिबल अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सब पॉसिबल नहीं है लेकिन एयर एंड ऑक्सीजन इसके एग्जाम्पल को माना गया है एयर एंड ऑक्सीजन आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल गैस लॉज दिस गैसेज फॉलो सर्टन रूल फॉलोइंग आर द मेजर रूल्स तो ये जो गैसेज होते हैं वो कुछ सर्टन रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो सारे रूल्स क्या हैं उन्हें देख लेते हैं सबसे पहले आता है बॉयल लॉ सेकेंडली चार्ल्स लॉ एंड थर्डली इज अ गे लॉ एंड लास्ट फोर्थ इज रेगनोल्ट लॉ तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉयल लॉ क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर इस लॉ के हिसाब से समझा जाए वैल्यूम ऑफ अ गैस जो वैल्यूम होता है किसी भी गैस का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस ये समानुपाती होता है प्रेशर ऑफ ए गैस के एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मास पर तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या होता है वैल्यूम ऑफ गैस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ ए गैस के तो इसमें क्या होता है और एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के अंदर तो इसी कारण इसे बॉयल लॉ से जाना जाता है तो मीन्स वी प्रोपोर्शनल टू 1 upon p means v p proportional to 1 upon v where p into v is equal to c this c is a constant and the equation is p 1 v 1 is equal to p 2 v 2 and the second equation which is formed by the boyle law is p 1 by p 2 equal to v 1 by v 2 where t is a constant आई थिंक बॉयल लॉ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब आते हैं सेकेंड पे चार्ल्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इस नियम के अनुसार एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एक समान प्रेशर में जो टेम्परेचर और वेल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ईच अदर मीन्स बी प्रोपोर्शनल टू टी वीवल टू सी वे सी इज दू वी टू अपॉन टी टू एंड द इक्वेशन इ चार्ल is V1 वन t1 टी टू तो आप सभी को ये भी इक्वेशन समझ में आ गई होगी जो कि चार्ल्स लॉ के द्वारा दी गई है तो इसमें क्या होता है ये इक्वेशन ये होती है कि मतलब अकॉर्डिंग टू इस लॉ मतलब दिस लॉ इस नियम के अनुसार ये कहा जा सकता है किसी भी समान प्रेशर पे प्रेशर मतलब दाब और जो टेम्परेचर होता है और वेल्यूम होता है अगर वो डायरेक्टली प्रपोर्सनल हो जाए समानुपाती हो जाए एक दूसरे के तो वो चार्ल्स लॉ कहलाता है अब आता है थर्ड थर्डाक लॉ तो गे लॉ क्या होता है ये समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट वेल्यूम इस नियम के अनुसार एक कांस्टेंट वैल्यूम में टेम्परेचर एंड प्रेशर जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो इस नियम के अनुसार वेल्यूम वैल्यूम एक कांस्टेंट होता है मतलब ये इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है बट जो टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन समानुपाती होते हैं तो पी प्रोपोर्शनल टू टू टी मीन्स पी अपॉन टीवल टू सी वेस्टेंट पी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन टी टूल टू पी थ्री अपॉन टी थ्री दिस इक्वेशन अब आते हैं फोर्थ लॉ फोर्थ लॉ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोर्थ लॉ क्या कहता है लॉ लॉ अकॉर्डिंग टू दिस इस नियम के अनुसार फॉर चेंजिंग वन डिग्री सेल्सियस ऑफ एन आइडियल गैस अगर हम किसी भी आइडियल गैस में एक डिग्री सेल्सियस चेंज करते हैं द चेंज इन वेल्यूम ऑफ तो उसके वेल्यूम में कितना चेंज होता है वन अपॉन्ट टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पार्ट ऑफ द वैल्यूम मतलब इस नियम के अनुसार अगर ये देखा जाए किसी भी आइडियल गैस में अगर हम एक डिग्री सेल्सियस का चेंज करते हैं तो उसके वैल्यूम में कितना चेंज हो जाता है वन बाई टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पार्ट अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस के बारे में बात कर लेते हैं बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है तो दो ही पॉइंट पढ़ने हैं आइडियल गैस क्या करते हैं फॉलो करते हैं कुछ इक्वेशन को जिसे हम ये कहते हैं पी वी यहाँ पे दिया गया है पीबील टू आर टी और जो यहाँ वेल्यूम टेचर इसी से बताया जा सकता है आइडियल गैस इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ जिसे कि आपने शुरुआत में ही पढ़ लिया था आइडियल गैस आर नॉट बी मतलब कैन नॉट बी सीन दिस इज इनविजिबल मतलब ये देखा नहीं जा सकता है और ये इनविजिबल होता है और ये भी पढ़े थे कि ये पॉसिबल नहीं है लेकिन इसमें एग्ज़ाम्पल पढ़े थे हमने ऑक्सीजन के और एयर के जो कि आइडियल गैस के एग्जाम्पल्स होते हैं तो ये सारी बातें आप सभी को याद रखना है अब आता है आप सभी का अमागाद लॉ एमघाद लॉ क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टम्प्रेचर अगर इस नियम के अनुसार चलें अगर समान दाब और तापमान पर जो टोटल वैल्यूम होता है किसी भी गैसियस मिक्सचर का वो इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल और पार्शियल वैल्यूम ऑक्युपाई बाई इच गैस तो इस नियम के अनुसार एक समान लाभ और ताप पर जो टोटल वैल्यूम होता है मतलब पूरा वैल्यूम जो आता है किसी भी गैसियस मिक्सचर का वो किसके इक्वल होता है वो इक्वल होता है पार्शियल वैल्यूम मतलब इंडिविजुअल किसी एक वैल्यूम के या फिर पार्सल वैलूम मतलब टुकड़े टुकड़े वैलूम के जो कि ऑक्यूपाई किया गया है सारी गैसेस द्वारा एक्यूपाई बाई ईच गैसेस तो ये हमारा एग्माथ्स लॉ है आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा अगर नहीं भी समझ में आ रहा है दोस्तों आप सभी को तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखवाया गया है इसे आप अच्छे से मतलब रट भी सकते हैं और समझ में भी आ गया होगा तो अब आते हैं आगे हैंडी लॉस के पास तो हैंनरी लॉ क्या कहता है द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड जो सॉलिबिलिटी होता है जो घुलनशील होता है किसी भी गैस का लिक्विड के अंदर एक समान तापमान पे वो किसके प्रोपोर्शनल होता है वो प्रेशर ऑफ ए गैस के प्रोपोर्शनल होता है अब द सॉल्यूशन सॉल्यूशन के ऊपर तो ये लॉ हैंनरी के द्वारा दिया गया था अब आता है लास्ट डाल्टन लॉ जब कभी भी पहले पढ़ लेते हैं इंग्लिश में वेन टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेज आर इनक्लोज इन अ वैसल द टोटल प्रेशर एग्जाइटेड बाई द गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्सियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज वेन टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेज आर इनक्लोज इन अ वैसल जब कभी दो या दो से अधिक ऐसे गैसेज जो कि आपस में रिएक्ट ना कर सके उन्हें किसी भी वैसल मतलब बर्तन हो गया या फिर आपका कोई कंटेनर हो गया उसके अंदर डाल दिया जाता है किसको डालते हैं दो या फिर दो से अधिक नॉन रिएक्टिव ऐसे गैसेस जो आपस में रिएक्ट ना कर सकें उन्हें जब वेसल के अंदर डाल दिया जाता है जो टोटल प्रेशर होता है जो टोटल प्रेशर क्या होता है एग्जॉल्टेड होता है बाहर निकलता है किसके द्वारा गैसियस मिक्सचर के डॉलर तो वो क्या होता है किसके इक्वल होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल गैसेस पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस आई थिंक दोस्तों आप सभी को डाल्टन लॉ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइमिक जो कि आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है या फिर लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइमिक क्या कहता है इफ टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम जब कभी भी दो बॉडी क्या हो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो विथ एनोदर बॉडी सी किसके द्वारा तीसरी बॉडी के द्वारा देन ए एंड बी विल बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विब्रियम विथ ईच अदर तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो पिंड थर्मल इक्लेब्रियम में होगा किसी तीसरे पिंड सी के द्वारा तो फिर जो ए और बी होगा वो आपस में थर्मल इक्विब्रियम में हो जाएगा इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसका एग्जाम्पल ये है कि व्हेन यू हैव अ टू ग्लासेस ऑफ वाटर मतलब अगर आपके पास दो तो ग्लास हैं वाटर के वन ग्लास विल हैव हॉट वाटर मतलब एक ग्लास के अंदर गर्म पानी एंड अनदर ग्लास विल कंटेन कोल्ड वाटर और जो दूसरा ग्लास है उसमें ठंडा पानी हो नाउ लीव द ग्लास ऑन द टेबल तो उन वो दोनों ग्लासेस को क्या करिए आप टेबल में छोड़ दीजिए फॉर अ फ्यू हावर दे विल कंटेन थर्मल थर्मोलिक्वेलेबरियम वि टम्परेचर ऑफ़ द रूम तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास दो गिलास हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं एक गिलास में गर्म पानी और जो दूसरा ग्लास है उसमें ठंडा पानी भरा हुआ है तो वो दोनों ग्लास को आप एक टेबल में छोड़ दीजिए कुछ घंटों के लिए उसके बाद आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं तो दोस्तों थर्मल इक्विलिब्रियम किसके कारण आए हैं वो एक रूम टम्परेचर के कारण आए थे तो यही चीज़ आप सभी के इंग्लिश में लिखी हुई है और आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं ये आपका डायग्राम बना हुआ है जो कि शो कर रहा है वेन देखिए आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ वेन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी ये गलत हो गया। वन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ एन एनओद बॉडी सी ठीक विथ एन एनओदर बॉडी सी देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या कह रहा था पहले कह रहा था जब कभी दो बॉडी वेन टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ एन अदर बॉडी सी देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम तो ये सब क्या हो जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे इच e अदर तो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था मैं आई थिंक दोस्तों आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी नोट्स के लिए आप एक बार मैं सारे टॉपिक्स को रोक देता हूँ जिससे कि आप उसका स्क्रीन शॉट ले सकें सबसे पहले आता है थर्मोडायरमिक्स तो आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है तो आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आई थिंक दोस्तों आपने थर्मोडायमिक की डिफिनेशन का स्क्रीन शॉट ले लिया होगा तो अब आता है आपका सिस्टम एंड द सराउंडिंग तो सिस्टम एंड सराउंडिंग का भी स्क्रीन आपका क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब आता है सिस्टम तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपने इसके पहले की वीडियो जैसे कि इथेनॉल की वीडियो और भी सारी वीडियो जैसे शुगर इंडस्ट्री या फिर पेपर इंडस्ट्री की वीडियो जो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री की वीडियोस और शुगर इंडस्ट्री के मतलब फ्लो फ्लोसीड की वीडियो लेक्चर और भी इसी प्रकार से जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपने मिस कर रखे हैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले बॉक्स में देखने को मिल रहा है अगर इनमें से आप किसी को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक प्रोवाइड करी गई है जाके आप वहाँ से देख सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत